हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ वर्षा। वेलकम बैक टू माय चैनल। सीटेट 2023 में आपके जो ईवीएस का पेपर होता है उससे सब टोटल एनसीईआरटी से ही आता है, तो इसके जो भी इम्पॉर्टेंट टॉपिक थे क्लास 3, क्लास 4 और क्लास 5 से रिलेटेड, वो सभी की वीडियो बना दी गई है। आप चाहें तो प्लेलिस्ट पर देख सकते हैं। ये वीडियो बहुत ज़्यादा यूज़फुल होने वाली है। घर से जो क्वेश्चंस हैं वो आपके ज़रूर आते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आज हमने जो टॉपिक लिया है, जगह अलग घर भी अलग, मतलब अलग अलग जगहों पर अलग अलग तरीके के जो घर होते हैं वो पाए जाते हैं। तो यहाँ पर हम देखेंगे किस जगह पर किस तरह के घर पाए जाते हैं, इनसे क्वेश्चंस बहुत बनते हैं। तो वीडियो के लास्ट तक ज़रूर बने रहिएगा। एंड चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिए। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो। पहला ही घर आपका है कि पत्थरों एवं लकड़ी से बने घर। पत्थर और लकड़ी के बने घर कहाँ पाए जाते हैं? तो वो लेह, लद्दाख और जम्मू कश्मीर में पाए जाते हैं। ये घर पहाड़ी इलाकों में पाए जाते हैं। पत्थरों को काटकर तथा एक के ऊपर एक रखकर बनाए जाते हैं। कैसे बनाए जाते हैं? पत्थरों को काटकर एक के ऊपर एक रखकर बनाए जाते हैं। छत व फर्श लकड़ी के बने होते हैं, ठीक है। इसकी जो पुताई होती है वो चूना व मिट्टी की पुताई की जाती है। दो मंजिला मकान होते हैं। नीचे की मंजिल पर खिड़की नहीं होती, ठीक है। कितने मंजिल के मकान होते हैं? दो मंजिल के मकान होते हैं और नीचे की मंजिल पर खिड़की नहीं होती। नेक्स्ट देखते हैं क्या है इसी में कि छत जो होती है वो ढलवा होती है। ढलवा का मतलब आप समझते होंगे कि अगर उस पर बारिश हो या बर्फ गिरे तो वो तुरंत नीचे सरक जाए, उसका जो बोझ है वो छतों पर ना आए, जिसकी वजह से जो घर होते हैं वो सुरक्षित रहते हैं, ठीक है। नीचे की मंजिल में जानवर ज़रूरी सामान रखा जाता है और दूसरी मंजिल पर स्वयं रहते हैं, ठीक है। छत का प्रयोग क्यों किया जाता है? मेवा व सब्जी फल सुखाने के लिए छत का प्रयोग करते हैं। तो ये चीज़ याद रखने वाली बात है कि दो मंजिल के मकान होते हैं, नीचे की मंजिल पर खिड़की नहीं होती और नीचे की मंजिल पर जानवर व ज़रूरी सामान रखा जाता है, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा ही ज़रूरी बात है, जो मोस्टली क्वेश्चंस इन्हीं जो लाइंस की हैं अभी उन्हीं से बनते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आपका देखते हैं बांस लकड़ी से बने घर। बांस और लकड़ी के बने घर कहाँ पाए जाते हैं? ऐसे घर वहाँ होते हैं जहाँ बाढ़ आती है व अत्यधिक वर्षा हो, ठीक है। तो स्थान कौन सा है आपका? पूर्व उत्तर भारत और मुख्यतः असम। मोस्टली जो क्वेश्चन आता है वो असम के घरों से रिलेटेड आता है कि बांस व लकड़ी के बने घर कहाँ पाए जाते हैं, तो आपको असम चूज करना है, ठीक है। इसमें क्या है, 10 से 12 फुट ऊंचाई पर बनते हैं जिससे बाढ़ एवं वर्षा से कोई नुकसान ना हो। जो बांस होती है वो लगे होते हैं, फिर उनके ऊपर घर बनाया जाता है जिससे बाढ़ वगैरह अगर आए तो वो नीचे से, ज़्यादा बारिश हो तो वो नीचे नीचे रहे, घर ऊंचे होते हैं तो घरों पर कोई असर नहीं आता है, ठीक है। ईंट के घर, ऊंची इमारतें, ये तो आप सभी जानते हैं। हमारे आसपास जो घर दिखाई देते हैं, हम लोग समतल और मैदानी भागों में रहते हैं, ठीक है, तो हमारे आसपास के जो घर होते हैं वो ईंट के घर और ऊंची इमारतें हैं। ये घर समतल क्षेत्र, मैदानी भागों में पाए जाते हैं। एक या एक से अधिक मंजिल के घर होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है आपका मिट्टी तथा झाड़ियों से बने घर। तो अत्यधिक गर्म जगह पर जैसे कि राजस्थान हो गया, उत्तर प्रदेश हो गया, बिहार हो गया, तो इसमें भी अगर मिट्टी और झाड़ियों के बने घर अगर आए तो आप आंसर में राजस्थान लगाइएगा, ठीक है। दीवारें जो होती हैं वो मिट्टी और भूसा द्वारा मोटी मोटी बनाई जाती हैं जिससे गर्म हवाएं अंदर ना आएँ। भूसा क्या होता है? गेहूं की जो छीलन होती है, गेहूं कटने के बाद जो उसका जो वेस्ट बच जाता है उससे भूसा बना लिया जाता है, जो कि जानवरों के खाने के काम में आता है, ठीक है। तो वो भूसा मिक्स करते हैं मिट्टी में और उससे मोटी मोटी दीवारें बनाई जाती हैं जिससे क्या होता है, गर्म हवाएँ अंदर ना आएँ। और घर मिट्टी से लेपा जाता है जिससे कीड़े ना आएँ और मिट्टी ना गिरे, ठीक है। नेक्स्ट है आपका हाउस बोट। तो हाउस बोट कहाँ है? श्रीनगर में डल झील पर हाउस बोट तैरती हुई आपको दिखाई देंगी, कश्मीर और केरल। लेकिन आपको राइट आंसर अगर लगाना होगा हाउस बोट से रिलेटेड तो श्रीनगर या कश्मीर में से लगाइएगा, ठीक है। लकड़ी का घर जो हमेशा पानी में तैरता है, हाउस बोट, ऐसे ही आप समझ सकते हैं कि वो लकड़ी का घर होगा और कहाँ होगा, पानी में तैरता हुआ। इसकी लंबाई लगभग 80 फीट व चौड़ाई 8 से 9 फीट होती है। सुंदर नक्काशी, जिसे क्या कहते हैं, सुंदर नक्काशी को ख़त्म बंद कहा जाता है, ये पर्यटकों के लिए होता है। हाउस बोट किसके लिए होता है? जो टूरिस्ट आते हैं उनके लिए होता है। अब नेक्स्ट बात करते हैं डोंगा। तो डोंगा क्या होता है?
डोंगा भी आपको कश्मीर, डल झील और झेलम नदी पर दिखाई देंगे। ये घर की तरह ही होते हैं, हाउस की तरह होते हैं, लकड़ी के बने होते हैं, बट इनमें नक्काशी जो होती है वो नहीं होती है। इनमें अलग अलग कमरे होते हैं और इनमें कौन लोग रहते हैं, स्थानीय लोग रहते हैं। जो हाउस बोट थी वो टूरिस्ट के लिए थी और डोंगा जो है वो स्थानीय लोगों के लिए है। ये दो मंजिल के भी होते हैं और इनमें कम से कम 3-4-5 कमरे भी बने हुए दिखाई देते हैं, ठीक है। टेंट क्या होता है, अस्थायी निवास, जिसको आप कहीं भी लगा सकते हैं। जब आप कहीं बाहर घूमने जा रहे हैं, टूर पर जा रहे हैं, ठीक है, तो क्या करते हैं, टेंट ले लेते हैं। पिकनिक वगैरह पर जाते हैं तो क्या लेते हैं, टेंट लेते हैं। तो इनका निर्माण भी आप कहीं पर भी कर सकते हैं। निर्माण अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग वस्तुओं से होता है। अब देखिए लद्दाख में क्या होता है, जो चोंगपा जनजाति है वहाँ के लोग याक के बालों की पट्टियों से टेंट बनाते हैं, जिसे क्या कहते हैं, रैम्बो कहते हैं। कौन से, याक के बालों से, ठीक है, किस जानवर के बाल, याक के बालों से पट्टियाँ बनाते हैं, फिर उनको सिलते हैं और जिसे क्या कहते हैं, रैम्बो कहते हैं। नेक्स्ट देखते हैं आप क्या है यहाँ पर, बर्फ का घर इग्लू। बर्फ का घर इग्लू सभी जानते होंगे, छोटे बचपन से पढ़ते आ रहे हैं हम लोग, कि बर्फीले क्षेत्र जैसे कि ग्रीनलैंड हो गया, कनाडा हो गया, पूर्वी रूस हो गया, तो इसमें आपके बर्फ के घर इग्लू पाए जाते हैं। ये बर्फीले क्षेत्र में बर्फ के बड़े बड़े टुकड़ों को जोड़कर, ठीक है, बर्फ के बड़े बड़े टुकड़ों को जोड़कर बर्फ के घर बनाए जाते हैं, जिन्हें इग्लू कहा जाता है। बर्फ के बीच मौजूद हवा गर्मी को बाहर जाने से रोकती है। यहाँ पर को है, बर्फ़ के बीच जो मौजूद हवा होती है वो गर्मी को बाहर जाने से रोकती है। गुंबद आकार के होते हैं, आप देख लीजिए जो थंबनेल है उसमें आपको एक फ़ोटो दिख रही होगी। एंड प्रवेश द्वार बहुत छोटा होता है, जिससे कि बर्फीली ठंडी हवाएं अंदर प्रवेश ना करें। इग्लू में एस्किमो शिकारियों का स्थायी निवास है। इग्लू में कौन रहते हैं, एस्किमो लोग रहते हैं, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये वीडियो बहुत यूज़फुल लगी होगी और प्लेलिस्ट बनी है, वो वीडियो ज़रूर देख लीजिएगा। सीटेट के एग्ज़ाम से पहले छोटी छोटी प्लेलिस्ट है 5-6 मिनट की, और उनके जो PDF हैं वो टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करा दिए गए हैं, आप सभी वहाँ से जाकर उनको देख सकते हैं, ठीक है। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। बने रहिए ऐसे ही और यूज़फुल वीडियोज़ के साथ में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।